दोस्तों मेरे सामने एक पेशेंट बैठी है जो बोलती है मुझे मीठे का बहुत शौक है और उनको डायबिटीज, दुर्भाग्य उसको डायबिटीज हो गया है, तो चाहती कि मुझे डायबिटीज जल्दी ख़त्म करके फिर से मीठा खा सकूं। तो भाई मीठे का कितना शौक है, मीठे में क्या खाती हैं आप, तो हम बताएं कैसे मीठा का क्रीम खट्टी करना है, इसको रिकॉर्ड करेंगे पब्लिक के लिए। तो मीठे क्या खाती हैं, मीठे क्या शौक है आपको, मीठे में कुछ भी मीठा मेरे जैसे को, एग्जाम्पल। जैसे कि मैं मीठे, अगर मेरे को घर में कुछ भी मीठा खाने को नहीं मिलता तो मैं चीनी भी खा लेती हूँ, गुड़ भी खा लेती हूँ। नॉर्मल है कि घर के अंदर ये दो चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। बाकी हाँ, मिठाई का शौक है, जलेबी का भी शौक है, ये जो पेस्ट्री केक्स मीन्स मीठा जो भी होता है ना, आई कैन ईट दैट। गुड, आपका वेट बहन जी, वेट आपका है 99 किलो है। तो आखिर मीठा सेहत का अच्छा तो बुरा होता है मुझे पता है कि ये बुरा होता है, कैसे, ज्यादा मीठा बुरा होता है, कंट्रोल में लो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन ये कंट्रोल क्या होता है। दिन की 3 या 3 चम्मच शुगर आई थिंक। वैसे दिस्टान जी, हमारे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन बोलता है कि मर्दों के लिए 36 ग्राम चीनी डेली यानी 9 चम्मच, औरतों के लिए 24 ग्राम चीनी यानी 6 चम्मच अलाउड है। लेकिन आप जान लो, उन्हें अलाउ कर रखे, रियल सेंस में चीनी बहुत ही ख़राब खाना होता है, ये बहुत ही टॉक्सिक फूड है। रियल सेंस में इंसान को तो 1 चम्मच भी नहीं खाना चाहिए। जान लो, जो चीनी होता है उसका 50% फ्रक्टोज होता है और 50% ग्लूकोज का बना होता है। आप तो टीचर हैं, दो मिक्स होता है। फ्रक्टोज क्या होता है कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो लीवर में जा करके जस्ट लाइक अल्कोहल काम करता है, लीवर फैटी कर देता है। जब लीवर फैटी होता है तो इंसुलिन काम कम करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिससे कि वेट बढ़ता है, जिससे हमारा पेनक्रियाज फैटी हो जाता है, जिससे कि डायबिटीज हो जाती है। फिर हमारा हार्ट मसल को ये नुकसान पहुंचाता है, हमारे दांत पे क्रीज करता है, कैंसर खतरा बढ़ाता है। आज से करीब 50 साल पहले जब शुगर चीनी नहीं बना था, तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, डेंटल क्रीज और डिमेंशिया, एल्जाइमर बोलते हैं, ये बीमारी नहीं होती थी। ये मॉडर्न जमाने की बीमारी है, ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से हुई है और उसमें सबसे मेन दोषी है चीनी। बाकी रिफाइंड अदर कार्बोहाइड्रेट हमारे हैं, मैदा की चीज़ें हैं, वाइट राइस, वो भी ज़्यादा खाने से हो जाएगा, बट अगर खाली चीनी कम कर दो तो ये सब बीमारी बचने के चांस 50% हैं। तो रियल सेंस में आपको मैक्सिमम चीनी खाना चाहिए, मैक्सिमम 2 चम्मच पर डे। अब आप जान लो, कोल्ड ड्रिंक एक पेप्सी की बोतल है, उसमें पता कितना चीनी होता है, एक पेप्सी में होता है 33 ग्राम चीनी यानी कि 9 चम्मच, एक दिन कोटा पूरा। एक पेस्ट्री होता है, पेस्ट्री खाती हैं, उसके अंदर कम, जो छोटा पेस्ट्री लेंगे कम से कम चीनी होता है 5 चम्मच। एक चॉकलेट के अंदर बार लोगे कम से कम उस में चीनी होता है 5 चम्मच। आप जान लो, एक डबल ब्रेड के अंदर एक ब्रेड में होता है 3 ग्राम चीनी, 1.25 चम्मच के बराबर। हर खाने में चीनी मिला हुआ आजकल, एक मिठाई, तो ये सब टॉक्सिक फूड होते हैं। इसके बदले में क्या खाएं, इसके बदले आप खाओ फ्रूट, मतलब मीठे तले तो फ्रूट खाओ, फ्रूट में फाइबर होता है, उतना नुकसान नहीं करता है। आप कोकोनट होता है, कोकोनट कच्चा है पक्का, वो खाओ, वो मिठास देगा, नुकसान नहीं पहुँचाएगा। प्लस आप उस टाइम थोड़ा सा पेट भरा रखो, पेट भरा रखो तभी मीठे की ललक कम होगी आपको। टमाटर खा लो, खीरा खा लो, गाजर खा लो, बीटरूट खा लो, उसके उससे चलेगा, क्योंकि उसमें फाइबर भी है, उतना कंसंट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर नहीं है। हम लोग क्या होता है, खाने के बाद हम खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, गाजर खा लेते हैं, बीटरूट खा लेते हैं, टमाटर खा लो। आप टमाटर कितना मीठा खाओ तो कोई नुकसान नहीं है, टमाटर से काम नहीं चलेगा खा के, या गाजर से काम नहीं चलेगा, गाजर से चलता है, चलाना पड़ेगा। हाँ। मैं देखो तो क्या होता है कि शराबी कहता है कि मुझे शराब की लत लग गई है, तो बुरी लत बुरी होती है, चाहे शराब की हो, चाहे चीनी की हो, चाहे मीठा की हो। कैसा रहा? अच्छा।
तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चीनी जगह पर आप कोकोनट खा लें, एक फ्रूट थोड़ा खा लें, जो हमारे जितने गाजर है, बीटरूट है, टमाटर खा लें। चीनी जो है एक डिजर्ट है, एक ट्रीट है, पार्टी है। रोज़ पार्टी थोड़ी मिलेगी, पार्टी कभी कभी मिलेगी, कभी पार्टी जाओ केक खा लो, कोई दिक्कत नहीं। आपने केक टूटा लिया तो फिर आप उस समय आप डेढ़ रोटी छोड़नी पड़ेगी, या आपको डेली पौना घंटा एक्स्ट्रा वॉक करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा आपको। तो मीठा इज़ फॉर ट्रीट, नॉट फॉर डेली फूड। तो आई होप से समझ आएगी चीनी कितना लेना है, कैसे लेना है।